नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप। ये महीना जो है ये कबीर के प्राकट्य का महीना है, संत कबीर की पैदाइश का महीना है, इसलिए आज ये किस्सा संत कबीर का सुनिए कि कबीर जहां रहते थे बनारस में अपनी कुटिया में, उनसे थोड़ी ही दूर पर एक घमंडी नौजवान रहता था जिसे अपनी दौलत का, अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपनी शोहरत का बड़ा घमंड था और उसे इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि ये जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक फकीर रहता है, जुलाहा रहता है, इसे कभी गुस्सा क्यों नहीं आता और ये दुनियावी चीज़ों से इतना दूर कैसे है, इसे किसी बात का कोई मोह क्यों नहीं है और ये हर दम इतना शांत चित्त कैसे रहता है। तो एक दफ़ा ये घमंडी नौजवान अपने घमंड में चला गया कबीर के घर। वहाँ एक चादर रखी हुई थी, इसने वो चादर उठाई और कबीर से, जो पास ही मौजूद थे, उनसे पूछा कि भाई इस चादर का क्या दाम है। कबीर ने कहा कि 10 रुपये। अब उस घमंडी नौजवान ने अपनी तलवार से उस चादर के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को हाथ में लेकर पूछा कि अब इस टुकड़े का क्या दाम है। कबीर ने कहा कि 5 रुपये। इसी तरह फिर उसने उस एक टुकड़े में से 2 टुकड़े किए और फिर एक टुकड़े को हाथ में लेकर पूछा कि अब इसका क्या दाम है। कबीर ने कहा कि 2.5 रुपये। इसी तरह वो लड़का बराबर टुकड़े पर टुकड़ा करता गया उस चादर का और अंत में इस लड़के ने कहा कि अब ये चादर पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गई, अब ये चादर मुझे नहीं चाहिए, अब ये मेरे किस काम की। कबीर ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर उससे कहा कि बेटा अब ये तुम्हारे ही क्या, अब तो ये किसी के काम की नहीं रही। इस पर उस घमंडी लड़के की गैरत थोड़ी जागी और उसने कबीर से कहा कि जुलाए मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारा सारा घाटा पूरा कर दूंगा। कबीर फिर मुस्कुराए, कहने लगे हुजूर आपके बस का ये नहीं है कि आप ये घाटा पूरा कर पाएं, आप बस इतनी इनायत करें कि यहाँ से चले जाएं। उस लड़के को थोड़ा और घमंड जागा, उसने कबीर से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कितना पैसा दूं, क्योंकि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पैसा नहीं दूंगा तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे ये नुकसान पूरा करना ही है। तो कबीर ने उससे कहा कि तुम ये नुकसान पूरा कर पाओगे, ये चादर तुम्हें पता है कि किसान ने कितनी मेहनत की है अपने खेत में, क्या क्या किया है, तब जाकर आखिर में इस कपास को उगाया है और फिर कपास से सूत तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है, कितना जतन लगा है और उसके बाद इस सूत से चादर को बुनने में कितनी मेहनत लगी है और फिर इस चादर को रंगने में कितनी मेहनत लगी है, तब ये चादर ऐसी तैयार हुई थी और तुमने इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला, तो तुम इसका, इस मेहनत का मोल कहाँ से दे पाओगे, इस लगन का, जिस खुलूस से, जिस भावना से ये चादर तैयार की गई, इस भावना का मोल कहाँ से दे पाओगे। अब वो लड़का पहली बार शर्मिंदा हुआ, उसने कबीर से माफ़ी मांगी और उसने कबीर से कहा कि आपने आज जो ज्ञान दिया है मुझे पहली बार समझ में ये आया कि कीमत सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, कीमत जो भावना की होती है वो तो कोई लगा ही नहीं सकता। इस पर कबीर ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं आज तुमसे ये चादर की कीमत ले लेता तो हो सकता है कि इस चादर की कीमत तो मुझे मिल जाती, तुम्हारे शब्दों में कहें तो ये घाटा पूरा हो जाता, मगर आज अगर मैं तुमसे ये कीमत ले लेता तो तुम्हें जो नुकसान होता वो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी एक चादर ही की तरह है, अगर तुमने अपने अभिमान में इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला होता तो ये दोबारा कहाँ से मिलता, चादर तो मैं दूसरी बुन लूँगा मगर जीवन दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए अपने जीवन को, अपने जीवन की चादर को अभिमान से, घमंड से, अहंकार से बचा कर रखना चाहिए। तो दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। शुक्रिया हाजिरी।